यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं। तुम दर्ज कर वाले हैं जीटी हब। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो गाइस आप लोगों को तो पता होगा गाइस, लॉस सैंटोस के अंदर गाइस एक ना फेक करने लाया था। अब गाइस लेसर का ये प्लान था कि गाइस हमको जो है ना उस फेक करने को जैस करके जो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस वो जो बंदा था ना, मतलब गाइस वो जो फेक करना था वो गाइस लॉस सैंटोस को उड़ाने का प्लान बना रहा था। अब गाइस लेसर ने ये पता लगा लेता जैस करके गाइस ये जो फेक करने वाला ना, ये गाइस मेरीवेदर वाले बंदों के साथ, मतलब गाइस टेरिस लोगों के साथ मीटअप कर रहा है, मतलब मीटिंग रख रहा है। अब गाइस ये जो अगर मीटिंग हो जाती ना, तो गाइस यहां पर जो है पूरा लॉस सैंटोस की ऐसी हो सकती थी। तो गाइस इसलिए मैं गया था गाइस सीधा उनके बेस के अंदर और गाइस सारे बंदों को तो मारा, और साथ में जो मिलिट्री वाला कर्नल था ना, इसका भी गाइस हमने जो खात्मा कर दिया है, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से खात्मा किया है। गाइस यहां पर जो ना मैंने हेलीकॉप्टर से क्या ही उसको जो है नीचे की तरफ गिरा गिरा के मारा था। अब गाइस यहां पर जो फेक कर्नल है उसका तो खात्मा हो चुका है, लेकिन गाइस फेक कर्नल ना असली मिलिट्री वाले कर्नल को जो है एक गाइस सबमरीन के अंदर बंद कर रखा था, बट कोई नहीं उसको मैं छुड़ा के लेके आ चुका हूं। अभी गाइस यहां पर अपनी गाड़ी को जल्द से उठाता हूं और सीधे गाइस अभी जो ना पैलेटो के हॉस्पिटल में निकलते हैं, क्योंकि गाइस कर्नल अभी वहीं पे है। उसकी हालत देख लेते हैं गाइस कैसी हालत हो रखी है। वैसे गाइस काफी खराब हो रखी थी उसको, गाइस काफी दिनों से जो टॉर्चर करके रखा हुआ था भाई साहब, 3 से 4 हफ्तों से जो है उसको टॉर्चर कर जा रहे थे। तो कोई नहीं, यहाँ पर तुम्हारा भाई भगाने वाला है। और जो आप लोग अपनी SVJ देख पा रहे होंगे, इसका जो कलर है ना वो चेंज हो चुका है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो ना इसको गाइस गैंग वालों ने चुरा लिया था, और ये जो गाड़ी है इसकी ऐसी तैसी हो गई थी, और गाइस यहाँ पर जिमी ने इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी करा दिया और साथ में इसका कलर भी चेंज करा दिया भाई, मेरे से बिना पूछे चेंज करा दिया। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, गाइस अपना ही लड़का है। तो कोई नहीं, यहाँ पर जो अपनी गाड़ी को भगाता हूँ सीधा गाइस जो है पैलेटो के हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर 1500 लाइक कर भाई पूरा आ रहा था ना। और गाइस अभी तो सेकंड चैनल चेक करने के तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जगह चेक कर सकते हो। उस पर जेटे हॉस्पिटल चलता हूं और गाइस मेरे को सरगा फुल का बिल्कुल भूलना। तो गाइस जल्द से निकलता हूं पैलेटो का हॉस्पिटल के लिए। ओके गाइस लेट्स गो। हम यहां पर पहुंच रहे हैं सीधे गाइस अभी जो मिलिट्री वाले कर्नल के पास में, और मतलब इस बंदे को देखो भाई, क्या ही नशे वशे कर लिए हैं क्या भाई, पता नहीं कहां पर ही बाड़ना चाह रहा। बट कोई नहीं, यहां पर बस हम लोग को लेफ्ट की तरफ टर्न मारना है और यहां पर गाइस हॉस्पिटल आ जाएगा। बाकी तो गाइस यहां पर इमरजेंसी एक हॉस्पिटल है। ओ एक सेकंड, इसी लाइन में था यार, आई थिंक मुझे याद तो था। ओके आगे की तरफ है भाई, मैं हमेशा ना भूल जाता हूँ। यहाँ पर अपने एक रेंट वाला घर भी है। लोग यहाँ पर जो हॉस्पिटल के पास में पहुंच चुका हूँ, सीधे गाइस अपनी जो गाड़ी है वो यहाँ पर लगा तो, और यहाँ पर मिलिट्री वाले बंदे आ चुके फाइनली। और गाइस इन मिलिट्री वाले बंदों को ना फाइनली पता चल चुका है ये गाइस यहाँ पर फेक करने लगे थे, इनके ऊपर दबदबा बना रखा था। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये टेबल के ऊपर कैसे खड़ा हुआ भाई, कुछ ज्यादा चोट नहीं आ चुके यहाँ के बंदों को। तो कोई नहीं, यहाँ पर अंदर की तरफ जस्ट निकलते हैं। ये डोर नहीं है क्या, अब मुझे क्या लगा भाई ये डोर नहीं है, यहाँ पर विंडो लगा रखी है। बट कोई नहीं, यहाँ पर भीड़ भाड़ जो है ना कम हो रखी है, क्योंकि कैसे मिलिट्री वाले कर्नल का यहाँ पर इलाज चल रहा है। तो कोई नहीं, यहाँ पर गाइस अंदर की तरफ आ तो चुका हूँ। और लोग ये कर्नल, और एक सेकंड ये कर्नल चल नहीं पा रहा क्या भाई साहब, यहाँ पर तो इसको व्हील चेयर दे दिया डॉक्टर ने भाई, मुझे क्या लग रहा भाई कर्नल की टांगे वांगे तो खराब नहीं हो गई यार लेसर की तरह। सो कैसे यहाँ पर मेरे डॉक्टर लोग से बात हो चुकी है और साथ में कर्नल से बात हो चुकी है। अब भाई मैं तो यहाँ पर घबरा गया था, मैं तो कैसे ये सोच रहा था कि कैसे यहाँ पर कर्नल जो है ना कभी चल नहीं पाएगा, टांगे खराब हो चुकी है, लेकिन कैसे ऐसा कुछ सीन नहीं है। कैसे यहाँ पर डॉक्टर जो लोग है ना वो ये बोल रहे कैसे अभी ना कुछ देर के लिए इसको जो है व्हील चेयर बैठने दो। अब कैसे ये जो डॉक्टर लोग हैं ये बोल रहे हैं कैसे अभी जो कर्नल है ना वो कैसे डिस्चार्ज हो चुका है। अब कैसे कर्नल में से ये बोल रहे कि तुम मेरे घर चलो। तो गाइस यहां पर अभी सीधा निकलता हूं गाइस कर्नल के घर पे, और कर्नल को साथ लेकर निकलना पड़ेगा। अब गाइस आप लोग यहां पर देख पा रहे हो गाइस कर्नल मेरे पे कितना ज्यादा भरोसा करने लगा है। बट कोई नहीं, ना तो गाइस हमेशा जो है ना अपनी आर्मी के साथ रहता था। तो कोई नहीं भाई, गाड़ी अपनी कितनी ज्यादा गंदी हो चुकी है ना। तो कोई नहीं गाइस, यहां पर जो है ये जो डॉक्टर लोग हैं ये कर्नल को लेकर आते होंगे और यहां पर अपनी गाड़ी में बैठ के सीधे से घर के लिए निकलते हैं। कर्नल भी आ चुका। अब गाइस आप लोग एक और कर्नल को देखो भाई, बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा पैर से। बट कोई नहीं गाइस, यहां पर इसकी जो व्हील चेयर है ना वो गाइस ये जो आर्मी वाले बंदे वो लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब गाइस यहां पर इसे घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि गाइस अभी ना इसको जो रेस्ट करने के लिए बोला डॉक्टर लोगों ने, डॉक्टर लोग तो ये बोले गए थे अभी ना 2 से 4 दिन तक गाइस मिलिट्री बेस बिल्कुल भी नहीं जा सकता, और यहां पर मिलिट्री बेस का जो काम वाम है ना वो गाइस किसी को संभालना पड़ेगा। तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर मैंने फ्रैंकलिन को भी छोड़ा था, लेकिन फ्रैंकलिन भी पता नहीं कहता मुझे क्या लग रहा अपने घर पर चला गया होगा भाई, वो कितनी ही देर तक रुकेगा यार। अपनी SVJ को भगाते हैं और गाइस यहां पर काफी तेज में भगाने वाला हूं और थोड़ा ध्यान से भी चलाने वाला हूं, क्योंकि यहां पर ना कर्नल बैठा हुआ है और भाई कटवट काफी तेजी से मार रही गाड़ी। गाइस यहाँ का मेरे को एक सीन समझ नहीं आ रहा, अबे अगर तुमको धीरे चलानी तो साइड में चलाओ ना भाई, यहाँ पर बीच में चलाते हैं। सो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, गाइस यहाँ पर गाड़ी को भगा दे बस सीधे गाइस, अभी ना मिलिट्री में मतलब गाइस मिलिट्री कर्नल के घर पहुंचने वाला, मिलिट्री बेस कहाँ यार।
बट कोई नहीं, यहाँ पर जो है बस अपने को राइट की तरफ एक टर्न मारना और यहाँ पर ओ भाई 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 सैड हो जा भाई, पिटना पिटना चाह रहा है अभी कर्नल बैठा हुआ है, नहीं तो सैमी इनकी गुद्दी में तोड़ देता रख के। भाई कर्नल क्या ही सीन करते हैं भाई तेरे घर के बारी है। तो कोई नहीं यहाँ पर गाड़ी को लेकर पहुँच चुका हूँ सीधा गज, यहाँ पर जो है कर्नल घर पे गज, यहाँ पर गाड़ी को जैसे लगाता हूँ कर्नल भाई सब तू भी जो है जल्द से अंदर की तरफ आ जा गज। यहाँ पर मैं पहले भी आया था जब गज फेक करने लगा गज, यहाँ पर मतलब इस घर पे जो है कब्जा कर लिया था, बट कोई नहीं यहाँ से अंदर की तरफ निकलते हैं। और गज ये जो कर्नल का घर है कितना ज्यादा बढ़िया है ना, बट कोई नहीं गज यहाँ पर अंदर की तरफ आ तो चुका हूँ। ओ भाई भाई अब आ जाए कर्नल कहाँ भाग रहा भाई, बट कोई नहीं मुझे लग रहा बाहर की तरफ कुछ ना कुछ देखने के लिए गया होगा। यहाँ पर लोग गज यहाँ पर कर्नल की वाइफ ये खड़ी हुई है भाई, सुबह शाम तक ये परेशान होती होगी भाई। एक तो गजर यहाँ का जो इसका ऑफिस है ना काफी ज्यादा बढ़िया इसने बना रखा है भाई, हर बंदे का मतलब लैपटॉप तो रखा हुआ। तो कोई नहीं अब भाई यार कर्नल किधर की तरफ चला गया। सो गाइस यहां पर मेरी कर्नल से बात हो चुकी है। अब गाइस यहां पर मैंने कर्नल से बोल दिया कि भाई साहब जी यहां पर जो थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर ले, वैसे तेरी हालत काफी ज्यादा खराब है। अब गाइस यार कर्नल तो ये बोलेगा आज ना उसकी बेटी का बर्थडे है तो मेरे को आना पड़ेगा जैसे करके, बट कोई नहीं गाइस अभी ना शाम के 6 बजे तो गाइस इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा। और गाइस मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही बेटी का बर्थडे है कुछ गिफ्ट विफ्ट भी लाना पड़ेगा क्या भाई, गिफ्ट तो बस सीधी सी बात है बर्थडे बना रहा है गिफ्ट तो बनते बनता है। और जैसे अभी है ना मेरे पास जो है बिच्छू गैंग के बॉस की कॉल आई है, अब जैसे मेरे को तुरंत के तुरंत ही वो अपने बेस के अंदर बुला रहा है। अब जैसे आप लोग को पता होगा जैसे बिच्छू गैंग से कैसे हमारी जो है मेरी एक तरह से लड़ाई चल रही है, क्योंकि अगर वो जो है डायमंड कैसिनो के अंदर आए थे। अब गजर यहाँ पर अगाथा बेकर से वो ये बोल लगे कि डायमंड कैसिनो को हमको बेच दो। अब गजर अगाथा बेकर ये बोल लगी थी कि डायमंड कैसिनो भाई बेचना नहीं है, पता नहीं गजर क्या ही जोर जबरदस्ती कर रहे थे। बट कोई नहीं गजर तभी मैंने बिच्छू गैंग के जो बंदे थे ना उनको गजर भूत बना देता, मतलब गजर काफी ज्यादा बुरी तरह से मारता। एक बार देख लेते हैं गजर क्या ही बताना चाह रहा है, अगर फालतू बोलेगा ना तो भाई अब तो गजर मैं उसे बजा कर रख दूंगा, क्योंकि गजर अब उसका और हमारा कोई काम नहीं है। पहले तो गजर मेरे को जो उससे कुछ काम था इसलिए गजर यहाँ पर जो ना मैं उसको थोड़ी बहुत चापलूसी कर रहा था। सो के लैस को हम पहुंच रहे सीधे गजर भाई बिच्छू गैंग के बॉस के पास। गजर मैं गाड़ी काफी तेजी से भगा रहा हूँ और ये लीमो वाले को देखो भाई, अबे भाई उत्तरी भैंस की आंख भाई, बंदा जो बाहर तरफ निकल चुका है ये चल क्या रहा है भाई यहाँ पर ड्राइविंग, भाई इनको क्या हो चुका भाई, मैं यहाँ से निकलता हूँ इनका कुछ पता नहीं भाई, अंधे हो चुके भाई यहाँ पर उड़ा कर। ओ तेरी भैंस की भाई मेरी गाड़ी में अगर थोड़ी सी भी स्क्रैचेस इसके आए ना सही बता रहा हूँ इस पंपू वाले की ना इस बर्गर वाले की मैं उतार के जो बर्गर बनाया था। बट कोई नहीं यहाँ पर अपने को जो लेफ्ट की तरफ टर्न मारना है, लेकिन भाई ट्रैफिक इतना ज़्यादा है जल्द से मार लेते। ओके यहाँ पर मैं काफ़ी तो बड़ी तरह से लेफ्ट की तरफ टर्न ले लिया है। और यहाँ पर जो है आज इसके चेलों ने मेरे ऊपर एम क्यों करके रख रखा है गजर, कुछ ना कुछ तो गलत सीन है। तो कोई नहीं आप लोग इसे गोल्ड कलर गाड़ियों का कलेक्शन देख पाओगे कितनी तगड़ी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ जल्द से निकलते हैं, सब बात करेंगे इसके बॉस से। अब बंदर से सकल के निकल जाए ऐसा क्यों ही तो है दिमाग खराब करना चाह रहा है गजर। यहाँ पर ना मैं इसके घर को अच्छी तरीके से घूमा नहीं हूँ तो कोई नहीं अब सैड हो जा भाई, पूरा चोड़ में खड़ा हुआ है बजा कर रख दो। ओ भाई एक सेकंड का मेरे को ऐसा कुछ लगा कि इन्होंने मेरे ऊपर गोली वोली चलाई है भाई, इसका जो घर है इतना ज़्यादा बड़ा है ना तो कोई नहीं यहाँ पर कोला वोला मार सकते हैं क्या। तो कोई नहीं यहाँ पर एक कोला मार लेते हैं। अब भाई घर के अंदर भी भाई $1 देना पड़ रहा है यार, अब क्या सीन है, मुझे तो लगा था भाई घर के अंदर तो फ्री में होगा भाई, ये भी पैसा वैसे डालते हैं क्या कोला पीने के लिए। तो कोई नहीं यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत कोला पी लिया है, यहाँ से आगे की तरफ निकलता हूँ। मेरे को पक्का पता है वो जो बंदर है वो बाहर की तरफ ही होगा, क्योंकि भाई हमेशा बाहर की तरफ ही बैठा रहता है। अरे बंदर वाले भैया साइड हो जाओ यार, कैसे उड़ाओगे क्या। तो कोई नहीं अब तुम्हारे दोस्त ने मतलब तुम्हारे मालिक ने बुलाया, दोस्त कहाँ बोल रहा हूँ भाई मैं, तुम्हारे मालिक ने बुलाया ऊपर से पता नहीं किस बात के लिए चौड़े हो रहे हैं। तो कोई नहीं यहाँ पर जल्द से नीचे की तरफ निकलते हैं। वो एक लोग है जब वहाँ पर जो है मेरे को उनका बंदर दिख जाओ भाई, हमेशा जो है वो वहीं पर ही होता है और कुछ ना कुछ कर रहे होता है। अब भाई यार एम क्यों कर रखा भाई इन्होंने, मेरे को तो कुछ गलत ही सीन लग रहा है। तो कोई नहीं अब पूल का पानी खत्म हो गया क्या, अब गरीब हो रखे हैं भाई बिल्कुल, ये तो मेरे से भी ज़्यादा गरीब लोग हैं। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर जो इससे बात करता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मेरी बिच्छू गैंग के बॉस से बात हो चुकी है। अब गाइस यार मेरा तो ऐसा मन कर रहा है गाइस यहाँ पर ना इसका जो है मत्था सुझा दूँ, लेकिन गाइस यार ये जो बंदा ना ये बोल रहा है कि मेरे बंदे को तुमने डायमंड कैसिनो के अंदर मार था। अब गाइस यहाँ पर मैंने इसको बता दिया है कि भाई साहब डायमंड कैसिनो के अंदर तुम जो है इतनी ज़्यादा चालूपन मतलब इतनी ज़्यादा दादागिरी दिखा रहे थे। अब गाइस यार ये बंदा बोल रहा है कि तुमने मेरे बंदे को मार के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, तुम्हें मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए काम करना पड़ेगा। और गाइस जिस बंदे को मैंने मारा था डायमंड कैसिनो के अंदर वो गाइस यार इसका फेवरेट बंदा था, मतलब गजर पर्सनल एक बंदा था जिसको गजर यहाँ पर मैंने मार दिया। अब ये बंदा बोल रहा है मतलब बिच्छू गैंग का बॉस ये बोल रहा है तो मेरे अंडर में हमेशा हमेशा के लिए काम करना पड़ेगा। अब मैंने इसको बता दिया कि भाई से मैं सोच के बताऊंगा। और गजर ये बोल रहा है कि अगर तुम नहीं करोगे ना तुम 2-4 दिनों में देख लेना कि मैं क्या से क्या कर सकता हूँ। और भाई साहब मैं भी तो देखूं भाई 2-4 दिनों में क्या से क्या कर देगा। बट कोई नहीं गाइस यार अभी ना मेरे पास जो है बैनी को लाई है। अब बैनी मेरे को तुरंत तुरंत ही अपने शोरूम के अंदर बुला रहा है
अब यहाँ पर जो ना गैस मेरे को समझ नहीं रहा बिच्छू गैंग के बॉस के साथ क्या करना चाहिए। मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको मार दूँ, लेकिन भाई चलता हुआ रोड है और यहाँ पर पुलिस वुलिस आ जाएगी गैस। यहाँ पर इसके बॉडी गार्ड्स के पास है ना कुछ अजीब टाइप की गन है, मैं बिल्कुल पंगे लेना नहीं चाह रहा। ओ भाई सब सीधे गैस अभी जो अपने शोरूम के लिए निकलते हैं, देखते हैं बैनी क्या ये बताना चाह रहा है। गैस ये जो बिच्छू गैंग का बॉस ना, इसका गैस हमको जल्द से जल्द कत्ल करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे ना, सीधी सी बात है गैस ये जो है ना हमसे काम पे काम कराता रहेगा। और यहाँ पर डायमंड कैसीनो के मालिक अगाता बेकर को भी गैस ये टॉर्चर कर सकता है। तो इससे पहले गैस ये ऐसा कुछ सीन करे, हम इसका मत्था सुझा देंगे। सो ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, मैं अपनी गाड़ी को भगाते बस सीधे गैस अभी अपने शोर में पहुँच चुका हूँ। यहाँ से बस अपने को राइट तरफ टर्न मार रहे हैं और अपना शोर में वो आ जाएगा। बाकी ऐसे काफ़ी तेज से मैं अपनी गाड़ी को भगाते वाला हूँ, तो कोई यहाँ पर जल्द से आग के तरफ और निकाल। ओ भाई गेट तो ओपन हो जाए भाई, शटर काफ़ी मतलब गैस ये जो शटर है ना इसका जो सेंसर है मुझे लग रहा है खत्म हो चुके हैं। तो कोई नहीं, यहाँ पर अपनी गाड़ी को जैसे लगाता हूँ, वैसे भी कैसे कहीं पर भी लगाता हूँ यार, इतना ज़्यादा बड़ा जो है यहाँ पर मैंने गैलरी बनवा रखी है। तो कोई नहीं, और एक सेकेंड ये बैनी अपनी गैस इतनी तगड़ी गाड़ी में क्या ही मॉडिफिकेशन करने में लग रहा है। इस गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन की जगह बच्ची भी है क्या, मेरे को तो लग रहा, बट कोई नहीं गैस बैनी जो है करने में लग रहा है। और यहाँ पर वेल्डिंग वेल्डिंग भी चल रही है, तो कोई नहीं गैस यहाँ पर जैसे बैनी से बात कर लेता हूँ। सो गैस यहाँ पर मेरी बैनी से बात हो चुकी है। अब गैस बैनी तो ये बोल रहा है अभी लॉस सैंटोस के अंदर गैस आज एक रेस होने वाली है। गैस बैनी को भी गैस 2 घंटे पहले ये पता चला था कि गैस यहाँ पर रेस होने वाली है। अब गैस बैनी ये बोल रहा है गैस उस रेस में गैस पार्टिसिपेट करना काफी जरूरी है। अगर गैस जो बंदा इस रेस में जीत जाता ना वो गैस नेक्स्ट रेस में जाने वाला है। अब गैस ये जो रेस होने वाली है कोई छोटी मोटी रेस नहीं, काफी तगड़ी रेस है। मतलब गैस हर रेस के जो लेवल होने वाले हैं। अब बैनी गैस ये जो गाड़ी मॉडिफिकेशन कर रहा है, मतलब अपनी जो $180 million वाली गाड़ी ना उसको गैस मैं लेके जाने वाला हूँ। लेकिन बैनी ये बोला कम से कम 10 से 15 मिनट और लगेंगे, बट कोई नहीं गैस यहाँ पर इतने में आके तो चल के देख लेता हूँ गैस अपना शोरूम का काम कितना ज़्यादा खत्म हो चुका है, खत्म हुआ भी है नहीं हुआ है एक बार ये तो चल के देख लेते हैं यार। क्योंकि गैस यहाँ पर जो ना गैस इनके जो काम में इतने ज़्यादा ढीले हो चुके हैं यार, मैंने कब की पेमेंट कर रखी है इन बंदों को पता नहीं। गैस ये जो लोग हैं कभी अपना जो शोरूम है वो कंप्लीट करेंगे, मतलब कंप्लीट तो हो चुका है लेकिन गैस जो पीछे वाला रास्ता ना उसका गैस काम काफ़ी तो बच रहा है। बट कोई नहीं, इसी साइकिल को जल्द से भगाता हूँ और सीधा। ओ भाई यहाँ पर तो गैसे कुछ क्रेन व्रेन आ रखी हैं, यहाँ पर तो जोरों शोरों से काम चल रहा है भाई। मैं तो उनको हल्के में ले रहा लेकिन गैसे काफ़ी तेज में ये काम कर रहे हैं। बट कोई नहीं, मेरे को नहीं लग रहा गैसे यहाँ पर आगे जाने का रास्ते में। ओ भाई सब गैसे यहाँ पर काफ़ी तेज में काम चल रहा है। बट कोई नहीं गैसे थोड़ा आगे तक और निकलते हैं। इन्होंने गैसे रास्ता तो कंप्लीट कर दिया है लेकिन गैसे ये रास्ता भाई अबे पहाड़ वहाड़ बना रखा है क्या भाई। ओ भाई सब यहाँ पर ब्रेक लगने मुश्किल हो रहे हैं भाई, कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है भाई यार, थोड़ा लेवल में लेके आ जाते यार इस रास्ते को भाई सब। यहाँ पर तो भाई अगर मैं नीचे की तरफ गिरा ना, अगर मैं पैर फिसला तो भाई रोड पे जा गिरूँगा। बट को नहीं, अभी मुझे क्या लग रहा है सर ये कर देंगे यार अपने आप भाई, इतनी सारी मशीन वशीन ला के उन्होंने खड़ी कर दी है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब इतनी सारी मशीनें नहीं थी। बट को नहीं कहते यहाँ पर जैसे ऊपर तरफ चलते हैं, यहाँ पर काम वाम चल रहे हैं इनको करने देते हैं। बाकी तो भाई खाना वाना भी खा लो, लंच वंच कर लो यार आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं यार। अरे जल्दी किस बात की, मैं तो मजाक करता हूँ। कोई नहीं कहते यहाँ पर ही काम करते रहेंगे अपना, मैं सीधा आगे की तरफ निकलता हूँ। भाई उन्होंने जो पानी की टंकी का जो है यहाँ पर सोर्स बना दिया, क्योंकि कैसे यहाँ पर जो ना इनको पानी वानी पीना पड़ता होगा। बट कोई नहीं, यहाँ से आग की तरफ जैसे निकलते हैं, ये अपना काम फिनिश कर देंगे, मेरे को इतनी कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा आग की तरफ निकलते हैं। गैसे यहाँ पर आप लोग जो अपने शोरूम को आग की तरफ टावर देख पाओगे, गैसे दूर से चमक जाता है ये वाला जो टावर है ना। अबे यार मेरे से साइकिल नहीं चल रही भाई, यहाँ पर बाइक की और अपने सुपर कार्स की आदत पड़ चुकी है ना, तो भाई साइकिल चल ही नहीं रही है। अबे माइकल चला ले यार इसको। तो कोई नहीं, यहाँ पर गैसे जैसे करके मैंने चला तो लिया है। और गैसे अभी आप लोग देख पाओगे भाई वेदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो कोई यहाँ पर जैसे अंदर की तरफ निकलते हैं, बैनी से पूछ लोगे गैस कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि गैस यहाँ पर जो ना रजिस्ट्रेशन करानी है ये नहीं करानी है, ये तो अभी मैंने बैनी से पूछा नहीं है। बट कोई पीछे वाली गैलरी नहीं, पीछे वाले से नहीं, इस वाले से रास्ते लेके चलते हैं, जल्द से पहुँच जाएंगे। बाकी सर अपना शोरूम भाई काफ़ी तो बड़ा है, और मैं सोच रहा हूँ अपने शोरूम में ना गैस काफ़ी तगड़ी तगड़ी और भी गाड़ी लाते हैं। तो कोई नहीं गैस यहाँ पर साइकिल को जैसे लगाता हूँ और बैनी से बात करनी पड़ेगी। और ये गाड़ी भाई लैम्बोर्गिनी की तरह नहीं लग रही। सो गैस यहाँ पर मेरी बैनी से बात हो चुकी है। अब गैस आप लोग अपनी गाड़ी देख पा रहे हो भाई, कितनी ज़्यादा चमचमा रही है और बैनी का कलर भी चेंज कर दिया गया। गैस अब आ चुका है गाड़ी का असली स्पीड टेस्ट करने का टाइम, और रेस में लेके चलते हैं इसको। और गैस रेस में जीत के भी जाने वाला। ओ भाई सब गैस साउंड कितना ज़्यादा तगड़ा। ओ भाई गैस गाड़ी में लाइटनिंग आप लोग देखो भाई, कहाँ साइड साइड में सब जो है लाइट जल रही है भाई, कुछ अलग ही टाइप की गाड़ी है। तो कोई नहीं गैस यहाँ पर जस्ट इसको लेके निकलते हैं और सीधा रेस को जीत के आएंगे भाई। मतलब हल्के वल्के में ले रहे हो क्या। तो कोई नहीं, यहाँ पर जैसे जल्द से भगाता हूँ भाई। गाड़ी का उड़ना चाह रही है सही में, गैस गाड़ी उड़ना चाह रही है। इसका स्पीड टेस्ट भी कर लेंगे। और बैन ने गैसे इसमें जो काफ़ी तगड़े तगड़े नाइट्रॉक्स वाइट्रॉक्स सब लगा दिया है, तो जीतना तो पक्का है गैसे। अभी जो रेस हो रही है ना गैसे, ये लेवल 1 है आप लोग समझ पा रहे हो।
अब गाइस ऐसे दो चार रेसेस और होंगी और सारी से जो रेसेस जीत जाएगा ना उसको गाइस काफी तगड़े इनाम भी मिलने वाला है। मतलब गाइस विनिंग जो प्राइस होगा काफी तगड़ा होने वाला है। क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस अपनी जो रेस फाइनली स्टार्ट होने वाली है और मेरे को ना गाइस यहाँ पर सबसे ज्यादा आग के तरफ निकलना पड़ेगा। पहले तो गाइस यहाँ पर जो एक राइट की तरफ टर्न मारते हैं। बंदे को देखो भाई कैसी गाड़ी लगाया बेटा साइड हो, पहले तो तू मेरे से रेस लगाया क्या इतना बड़ा हो गया। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर जो एक बंदा और आग की तरफ जा रहा है इसको भी गाइस मैं जैसे पछाड़ देता हूँ। भाई मेरी गाड़ी इतनी स्लिप कैसे खा रही है भाई। बट को नहीं ओ भाई भाई मेरे को जो है ना भाई रोड पर चलाना पड़ेगा। गाइस ये जो गाड़ी का टायर है काफी ज्यादा स्लिप खा रही है और आगे वाले बंदे के पास नाइट्रोक्स है गाड़ी में। ओ भाई सब एक सेकंड ओ भाई वो भाई खाई में जा गिर गया। ओ भाई काफी तो बड़े सीन हो चुका है। वो तो अच्छा हो गया। यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है वो फर्स्ट हो चुका है। वो जो बंदा भाई खाई में जा गिर गया यार क्या ही सीन हुआ है। बट कोई गाइस यहाँ पर बैन ने मॉडिफाई करी भाई हल्के वल्के में रखो। ओ भाई आराम से मेरे को ना थोड़ा ध्यान चलाना पड़ेगा। अपनी जो पोजीशन है वो फर्स्ट है और गाइस मेरे को फर्स्ट ही बना के रखनी है। यहाँ पर कोई भी मेरे को जो है ज़्यादा चालूपंथ करने की कोशिश नहीं करनी है। बिल्कुल आराम आराम से आग की तरफ निकलते हैं। आराम आराम से क्या भगाते हैं भाई, किसी का डर मार रखा है क्या। वैसे तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो भाई हल्की सी रेस करते ना गाइस गाड़ी 200 की जो स्पीड टच क्रॉस कर जा रही है। बट कोई नहीं यहाँ पर एक अपने लेफ्ट तरफ और टर्न मारते हैं। अपने पीछे काफी सारे बंदे आ रहे हैं तो गाइस यहाँ पर बंदों को छोड़ते हैं सीधा आग की तरफ निकलते हैं। और भाई ये रेस मेरे को जज करके जीतनी है। अगर कैसे इसमें अगर कोई बंदा थर्ड भी आता ना वो भी कैसे सेकंड राउंड में जा सकता है। भाई थर्ड का भाई सोचने नहीं है, अपन लोग फर्स्ट आएंगे सबसे ज्यादा आग की तरफ निकलेंगे। तो कोई नहीं यहाँ पर सीधा रोड है आग की तरफ और यहाँ पर भगाने वाला हूँ। मेरे को तो लग रहा था कैसे काफी हार्ड रेस होगी लेकिन ये तो काफी टुच्ची मुच्ची रेस निकली। अपनी गाड़ी के लिए काफी ईजी है भाई। गजर इस गाड़ी का जो ना 20 साल से वेट कर रहे थे लोग भाई इतनी तो बनती है। क्योंकि यहाँ पर काफी आग की तरफ आ तो चुका हूँ और यहाँ से कैसे आई थिंक आगे की तरफ ही निकलना है। मेरे को लग रहा था यहाँ पर कोई और रास्ता लेना पड़ेगा। वैसे तो गाइस यहाँ पर काफी आग की तरफ आ चुका और भाई साहब बंदे जो है ना भाई हवा भी नहीं आनी थी मैंने तो। और वो भाई ये सोच रहे होंगे गाइस कौन ही ऐसा बंदा है जो इतनी आग की तरफ निकल चुका है। भाई बैन ने क्या ही मॉडिफाई करी है। एक बार गाइस आप लोग गाड़ी की लुकिंग भी देख पा रहे हो तो कोई नहीं गाइस ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत टक्कर लगी। ओ भाई भाई गाड़ी जो है थोड़ी फिसल भी चुकी है। भाई बंदे कितनी ज्यादा पीछे रह गए भाई। अब भाई साहब ऐसे लग रहा है गाइस यहाँ पर अगर मैं 2-4 सेकंड रुक भी गया ना, जैसे सपोज यहाँ पर मैं रुकता हूँ 3 तक गिनती का आते हैं 3, 2, 1, 0, -1। भाई लो भाई मैंने -1 तक पहुंच गया और बंदे आ भी नहीं रहे हैं। गाइस देख पा रहे हो गाइस यहाँ पर कितना तगड़ा मैंने सीन कर रखा है। गाइस अपनी जो पोजीशन है अब भी फर्स्ट बनी हुई है पर मेरे को फर्स्ट ही बना कर रखनी है। तो बोलिए अबे रेस कितनी ज़्यादा बड़ी है भाई, मैं तो हल्के में ले था लेकिन रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ये जो लोग होंगे ना जो गाइस ये लॉन्च करा रहे होंगे, मतलब गाइस जिसने ये रेस स्टार्ट कराई होगी वो भी ये कह रहे होंगे भाई कैसी गाड़ी लेकर आ चुका है भाई प्योरली फ्यूचरिस्टिक कार है। तो कोई नहीं गाइस फाइनली अपनी जो रेस है फिनिश होने वाली है और सीधा गाइस यहाँ पर जो ना ओ भाई आई थिंक नहीं नहीं यार अभी फिनिश नहीं हुई है। मैं सोच रहा था अगर फिनिश हो जाएगी एक सेकंड 2 लैप है 1 लैप है भाई, अगर 2 लैप होंगे तो भाई दोबारा से रेस करनी पड़ जाएगी। तो कोई नहीं अब भाई यार भाई कितने लैप बना रखे यार। ओ हेलो एक सेकंड यहाँ पर अंदर की तरफ जाना बाहर तरफ जाना मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है। तो कोई नहीं कहते यहाँ पर जो ना मैं आग की तरफ निकल तो चुका हूँ और उसे मेरे को अभी कुछ आइडिया नहीं भाई जाना किधर की तरफ है। ओके मुझे क्या लग रहा है यहाँ से अंदर की तरफ जाना है। अब भाई यार मैं घूम रहा हूँ भाई मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर जाना किधर की तरफ है। मेरे को भाई सही में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ओ भाई 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 यहाँ पर अंदर की तरफ आना था और भाई मैं यहाँ पर क्या करने में लग रहा हूँ यार। अबे भाई साहब मैं भाई पूरा चक्कर घुमा के आ चुका हूँ और भाई तब मैंने देखा गया यहाँ पर मैंने उल्टा रोंग टर्न ले लिया है। अब भाई यार इनको बताना चाहिए ना भाई कहाँ से कहाँ। ओ भाई अबे तेरी ऐसे की एक सेकंड रुक जा मैं इस बंदे को तो भाई इतनी बुरी तरह से मारने वाला हूँ। ओ भाई अच्छा मेरे से रेस लगाएगा पहली फुर्सत में निकला यहाँ से। ओके यहाँ पर तुम्हारा भाई फाइनली जीत चुका है बेटा मेरे से रेस लगाओ क्या। रुको रुको ये बंदा था ना तेरी ऐसे की तरह बेटा तुझे निकल तेरी भैंस के तू भी निकल बेटा बहुत ज्यादा बदमाश बन रहे हैं भाई मेरी गाड़ी में टक्कर मारे हैं क्या। भाई जितना भी दम लगा लो तुम्हारी ऐसी की तरह एक सेकंड रुको इनको ना मैं बदमाश बनवाता हूँ बेटा रेस मेरे से रेस लगाओगे क्या तुम्हारी ऐसी की तरह बेटा बदमाश ही निकाल दूंगा। बट आ जाओ बेटा जितने तुम चोरे हो रहे हैं तो कोई नहीं यहाँ पर 2-4 बंदों को मार दिया मैंने यहाँ पर जल्द से निकलते हैं। अपनी जो पोजीशन है वो फर्स्ट आ चुके हैं। अब देखने वाली ये बात है कैसे सेकंड राउंड जो है वो कहाँ पर ही होने वाला है कब होने वाला है। बट कोई नहीं यहाँ पर कैसे गाड़ी को भगाते हैं अपना काम यहाँ पर हो चुका है। सो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कैसे अपनी गाड़ी को भगाते हैं सीधे कैसे अभी अपने घर पहुंच चुका हूँ और कैसे अभी ना कर्नल की मेरे पास को लगी है। अब कैसे कर्नल तो ये बोल रहे कि मैंने तुमको
बोला था कि गाइस उसकी बेटी का बर्थडे है, अब गाइस यहाँ पर जो ना जल्द से उसके घर पे निकलते हैं। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर गाड़ी को मैं यहीं पे लगा नहीं यार, यहाँ बाहर ही लगाता, काफ़ी तो महंगी गाड़ी है, थोड़ा अंदर की तरफ चल के लगाते हैं। यहाँ पर गाइस आई थिंक मेरी गाड़ी सेफ रहेगी। तो गाइस ये अच्छी बात हो चुकी है, गाइस हम जो है रेस जीत चुके हैं। अब देखने वाली ये बात है गाइस यहाँ पर जो सेकंड राउंड कब होएगा, जैसे होगा वैसे मैं चले जाऊँगा। तो कोई नहीं यहाँ पर अंदर की तरफ निकलते हैं, कोट पैंट पहनते हो सीधा गाइस अभी ना मिलिट्री वाले कर लेते हैं, वहाँ पर निकलते हैं, वहाँ पार्टी वार्टी स्टार्ट हो चुकी होगी। और यहाँ पर जो ना आई थिंक मेरे कौन सा कोट पहनो यार, जैसे कोई अच्छा सा कोट पहन लेते हैं यार, कौन सा कोट पहनो। अबे एक सेकंड, हमारे सूट की तरह भाई पर्सनल हमने फेवरेट अपना सूट पहन लिया, अब जल्द से निकलते हैं। गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा मैं लेट हो चुका हूँ भाई, मैं तो बिल्कुल ध्यान से निकल ही गया था। अब गाइस यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम यह आ चुकी है, मैं गाड़ी कौन सी लेके जाऊँगा भाई, यहाँ पर अपनी जो लैम्बोरगिनी थी वो तो गाइस अपने शोरूम में रह चुकी है। अब भाई देखते हैं गाइस यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी खड़ी होगी तो, मेरे को अभी कुछ आइडिया नहीं है। आई थिंक ये कौन सी गाड़ी है भाई साहब, ये आई थिंक यार जिमी ने या जिमी की एमेंडा या ट्रेसी की होगी, किसी ना किसी की तो होगी यार। तो कोई नहीं, इसी को जस्ट लेके चलते हैं। एक तो गाइस मेरे को समझ में नहीं आता ये भाई गाड़ी खरीदते रहते हैं बेचते रहते हैं, बट कोई नहीं आई थिंक मर्सिडीज का एडिशन है भाई, काफ़ी तो बढ़िया गाड़ी है। तो कोई नहीं, इसी को जल से लेके निकलते हैं। गाइस यहाँ पर मैं सोच रहा था कि यहाँ पर लैम्बोरगिनी लेके जाएंगे, लेकिन अपनी लैम्बो यार अभी जो अपने शोरूम में खड़ी हुई तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं यार, इतनी बुरी भी गाड़ी नहीं लग रही भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कार है। सो के जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, गाइस यहाँ पर मर्सिडीज को भगाता हुआ सीधा गाइस जो है घर ले घर पे पहुँचने वाला हूँ। ओ भाई एक सेकंड भाई, ये बंदा गाड़ी को किस हिसाब से चला के ला रहा था। एक तो गाइस यहाँ पर मैं ना बिल्कुल अलग ही लेन में गाड़ी को चला रहा था, बट कोई आई थिंक पहुँचने तो वाला हूँ और मैं पहुँच भी चुका हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारी ऑलरेडी गाड़ियाँ रखी हैं, तो मैं गाड़ी को अंदर की तरफ लेके चलूँ क्या, मैं सोच रहा हूँ बाहर तरफ नहीं नहीं अंदर, चलो छोड़ो यार अंदर की तरफ लेके चलेंगे भाई हल्के। एक सेकंड, अबे तू निकल जा पहले भाई, तुझे ज़्यादा खुजली हो रही है। तो कोई नहीं भाई, लीमो वीमो चल रही है, अबे रात के टाइम कहाँ लीमो चलती है यार भाई, किसके बिजनेस चल रहे हैं। अरे गार्ड भैया जी गेट तो खोल दो यार भाई। तो कोई नहीं यहाँ पर अंदर की तरफ निकल, ओ भाई एक सेकंड, यहाँ पर आग की तरफ भी गए काफ़ी सारे बंदे इधर से उधर घूम रहे हैं भाई, कर्नल है भाई, हल्के वल्के में थोड़ी ले रहे हो यार। तो कोई नहीं यहाँ पर हम गाड़ी को लेकर सीधा अंदर की तरफ आ तो चुका हूँ। तो कोई नहीं गए सर, आई थिंक मैं अपनी गाड़ी को यहीं पे लगा आता हूँ और सीधा अंदर की तरफ चल के देते हैं। और जो कर्नल है वो किधर की तरफ है, यहाँ पर जैसे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ लग चुकी है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे यहाँ पर चल क्या रहा है भाई। अब बर्थडे पार्टी हो गई क्या, हो गई भाई वैसे भी गए, मतलब कर्नल की छोटी सी बेटी है उसका बर्थडे पार्टी है। तो कोई नहीं गए, मेरे को पता भी नहीं था कि कैसे कर्नल की कोई बेटी भी है। तो कोई नहीं गए, यहाँ पर भाई पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। तो भाई मुझे क्या लग रहा है ना, बाहर तरफ गए इनका एक पार्क है वहाँ पर होगा। ओ भाई गए यहाँ पर मैं धक्का देकर बंदे को आग की तरफ निकल चुका हूँ। तो कोई नहीं गए यहाँ पर आग की तरफ और निकलते हैं, कर्नल है किधर की तरफ यार। और गए यहाँ पर मैं कर्नल की बेटी के लिए कोई भी गिफ्ट तो लाया नहीं हूँ। तो कोई नहीं गए यहाँ पर ना गिफ्ट बाद में दे देंगे, अभी केक खा लेते हैं। वैसे भी गए हम यही करते हैं भाई, केक हमें कुछ चाहिए होता है, गिफ्ट विफ्ट बाद में देते हैं भाई। तो कोई नहीं गए यहाँ पर अंदर की तरफ आ तो चुका हूँ भाई, आसमान कैसे हो गया भाई, भाई वेदर आप लोग देख पा रहे भाई, पूरा धूल वूल वाला हो रखा है, मतलब मुझे क्या लग रहा है आंधी वांधी आने वाली है। तो कोई नहीं यहाँ पर नीचे की तरफ मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर खाना वाना बनाया जा रहा है, वाह भाई वाह, मुझे क्या लग रहा है आज का जो खाना वो अपना यहीं पर होने वाला है। मेरे को ना फ्रैंकली फ्रैंक को साथ लेके आने चाहिए, अगर ट्रैवल होता ना भाई यहाँ पर दारू वारू देखो तो पागल हो जाता। और भाई कर्नल ये रहा भाई, और भाई कर्नल कूद रहा है, सुबह तक तो गजर इसके पाँव जो मुझे लग रहा है खराब से थे, चल भी नहीं पा रहा था, और यहाँ पर कूद रहा भाई, कितनी खुशी है भाई। तो कोई नहीं यहाँ पर ओ लो भाई, ओ भाई साहब गजर छोटी सी बेबी ये रही, और भाई कितनी ज्यादा प्यारी सी बेबी, कर्नल की जो बेटी है कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है भाई, अले ले ले मेरा बेटा। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो तीन तीन केक लगा रखे हैं, अब तीन तीन केक किस लिए भाई। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर फोटो वोटो खींचना हो रहा है भाई, मैं यहाँ पर बीच में आ गया था, उधर की तरफ बंदे बंदे बैठे हैं और ये बंदे बोल रहे होंगे भाई कौन बीच में आ गया भाई सैड हो जा। तो कोई नहीं यहाँ पर जो फोटो वोटो अपना खींचने देते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रखी है। कर्नल से मेरे को बात भी करनी थी, लेकिन गाइस कर्नल तो नाचने में लग रहा है, मैं उससे क्या ही बात करूँगा। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ गाइस एक जो है कोला वोला मार लेते हैं, मेरे को लग रहा है यहाँ पर कोला मिलेगी। तो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, गाइस यहाँ पर मैं भी थोड़ा कोला वोला मारने लग गया हूँ। गाइस यहाँ पर जो जश्न का माहौल है भाई, कर्नल की बेटी की बर्थडे भाई, बाकी अगर आप लोग कर्नल को देखो भाई किस हिसाब से नाच रहा है भाई, मुझे क्या लग रहा है पागल वागल ना हो जाए भाई, गिर विर मत जाइयो भाई, पूरे नशे वशे में धुत तो रखा है। तो कोई नहीं, तो चलो गाइस आई थिंक आज क्रिटिकल बन सकते हैं, ब्लॉग अच्छी लगे अच्छी लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। I have a dream, that's all I need, I'll make it happen with some work and belief, know what I want, so I'll take it on, I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down.